Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. So आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रडिक्शन 29 जून 2024 IELTS एग्जाम की. सो अगर है आपका भी एग्जाम 29 को तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे किस तरह का लेवल रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स आने वाले हैं, क्या एग्जाम ईजी आएगा, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या लेवल रहने वाला है. एक्चुअली इन सारी बातों पर हम बात करेंगे वीडियो के बीच में. उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग मॉड्यूल से. सो रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इजी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. आप मान के चलो कि उसका लेवल आपको इजी टू मॉडरेट के बीच में मिलने वाला है, यानी कि एक पैसेज आपको इजी मिलेगा, सेकंड पैसेज जो है वो आपको एवरेज मिलेगा और थर्ड पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो वो मॉडरेट मिलेगा. और कौन सा पैसेज जो है आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा वो होपफुली पैसेज 3 ही होगा. सो किस तरह के क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम पैसेज 1 की बात करें तो पैसेज 1 में आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड समरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, यानी कि समरी कंप्लीशन आने के चांसेस हैं जिसमें आपके पास 2 वर्ड्स एंड और आ नंबर आ सकते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड पैसेज की तो सेकंड पैसेज में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज एंड उसके अलावा आपके पास 1-2 ब्लैंक्स भी आ सकते हैं. सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं. किसी भी क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता कि क्या सही टेक्निक है, किस तरह से राइट कीवर्ड पिक करने हैं, किस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए. वहाँ पर रीडिंग सीरीज है, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइप को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या सही टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से कीवर्ड को फाइंड आउट किया जाता है, वो सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी. अब बात कर रहे हैं पैसेज 3 की. सो पैसेज 3 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न है वो स्टैंडर्ड पैटर्न ही चल रहा है, बट बात ये है कि आपको किन किन क्वेश्चन टाइप पर फोकस करना है उनको ध्यान में रखकर चला करो. तो पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड यस नो नॉट गिवन ये तो आएंगे ही आएंगे एज यूजुअल जैसे कि आते हैं. उसके अलावा आपके पास ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन जिसमें आपको नीचे ऑप्शंस गिवन होती हैं. सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं. अब बात करते हैं हम लिसनिंग की. सो लिसनिंग का लेवल जो है वो आपके पास इस बार मॉडरेट आने के चांसेस हैं. बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट यस एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होगा. मान के चलो कि ये एग्ज़ाम इस मंथ का लास्ट एग्ज़ाम है. सो जितने एग्ज़ाम आपने अब तक देखे हैं इस मंथ के तो उनमें रीडिंग का लेवल जो है धीरे धीरे अप होता गया. सो इस बार हाई चांसेस हैं कि आपको जो लेवल है लिसनिंग का थोड़ा सा आप देखने को मिलेगा इजी से. सो आपके पास सेक्शन 1 में 1 वर्ड एंड और नंबर आने के चांसेस है जैसा कि हमेशा से स्टैंडर्ड पैटर्न रहा है. सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में आपके पास मैप आने के चांसेस है. अगर आपने मैप की प्रिपरेशन नहीं की देन प्लीज़ मैप की प्रिपरेशन कर लीजिएगा. उसके साथ साथ मैच द इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज एंड सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज आएंगे प्लस लॉन्ग ऑप्शंस आपके पास आएंगी. सो मान के चलो डिफिकल्ट नहीं आएगा बट मॉडरेट लेवल का आएगा. वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके वो करेक्ट नहीं जाते, तो आपके लिए ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि एमसीक्यूज की रेशो जो है वो ज़्यादा आने वाली है. सेक्शन 3 की बात हमने कर ली है कि इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे. सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 4 में आपके पास 1 वर्ड एंड और नंबर वाले क्वेश्चन टाइप आने वाले हैं, यानी कि ब्लैंक्स आएंगे और एक लेक्चर होगा जिसकी स्पीड थोड़ी सी फ्लुएंट होगी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा फ्लुएंट होगी, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ेगा. सेक्शन 3 के बाद जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप सेक्शन 4 के क्वेश्चन जो है अच्छे से रीड आउट कर सको. अब बात करते हैं हम राइटिंग मॉड्यूल की. राइटिंग का टास्क 1 जो है, टास्क 1 बार आने के 80% चांसेस हैं. उसके अलावा आपको टेबल एंड पाई भी करना है, कंपैरिजन वाले भी आपको करके जाने हैं. हो सकता है कि आपको कंपैरिजन के साथ आ जाए, यानी कि 2 टेबल या लाइन, टेबल या पाई, इस तरह से भी आ सकते हैं. अब बात करें टास्क 2 की तो टास्क 2 में स्टैंडर्ड पैटर्न डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन एंड अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं. पर कैटेगरीज क्या रहेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं. आपको इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, क्राइम, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट,
ये पांच टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से फोकस रहकर जो है प्रिपेयर करना है। इसके अलावा पांच और टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो आप जो है खुद से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से और पांच टॉपिक करने हैं। वो कैसे एनालाइज कर सकते हो, आप पिछले मंथ का जो पैटर्न है उसको एनालाइज कीजिए कि पिछले मंथ में जितने एग्जाम गए हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन टाइप आए हैं, पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उस अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो पिछले मंथ में आए हैं तो वही आपको रिपीट टॉपिक जो है, रिपीट टॉपिक नहीं मैं बोल रही कैटेगरीज बोल रही हूँ, वो कैटेगरीज आपको याद करनी है, याद यानी कि आपको उनकी रिवीजन करनी है, उनके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। सो ये था आज का हमारा प्रेडिक्शन वीडियो और ये फाइनल प्रेडिक्शन है कल के एग्जाम की 29th की। और आप मुझे ये बताइएगा कि आपने किस किस शहर में जो है अपना एग्जाम फिल किया हुआ है, आपकी स्पीकिंग हो गई या अभी होनी है। अगर हो गई है तो क्यू कार्ड आपसे और टास्क वन यानी कि आप मानिए कि पार्ट वन जो है वो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी जो है फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम देने के बाद प्लीज़ एक या दो मिनट लगता है फीडबैक देने के लिए, तो अपने रिव्यू बहुत जरूरी है, आपके रिव्यू वो जरूर दे के जाया करो कि किस तरह का एग्जाम आया, क्या बिल्कुल जैसा आपको बताया गया था प्रेडिक्शन में बिल्कुल वैसा ही आया या डिफरेंट आया। और ये जरूर बताइए कि किस सिटी में आपने अपना एग्जाम फिल किया है और वहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो आप एग्जाम के बाद बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग कीप स्पॉटिंग, थैंक्स अलॉट।